जिस तरह तुम गरदौरिया की गल कर रहे हो तो बहुत लंबा प्रोसीजर है जी उसके सामने जी लोगों को पहला जी सहायता चाहिए वो बारे तुम कहना चाहते हो। चाहनी है कि गिरदावरी में बहुत टाइम लग जाना, पूरे पंजाब की गिरदावरी जी टाइम लगेगा, लोगों को इमीजिएटली उन्होंने जरा पैसे जड़े ने उन्होंने जमीन के हिसाब से दिते जा ताकि वो इस मुश्किल के समय के अपना थोड़े जड़े अपने हालात में अपने ठीक कर सकते और गिरदावरी तो होंगी रहेगी उन्होंने तो टाइम लगेगा लेकिन इमीजिएटली पैसे जड़े रिलीज करके लोगों का जो मसला वो हल किया जाए। भारी बरसात के बावजूद अरुणा चौधरी ने किया मकोड़ा पतन का दौरा, कहा पानी के वधदे वहाव के चलते स्थानक लोगों को घबराने की लोड़ नहीं। साबका कैबिनेट मंत्री और विधायिका अरुणा चौधरी ने भारी बरसात के चलते मकोड़ा पतन का दौरा किया और स्थानक वासियों को अपील की कि भारी बरसात के चलते पानी के बढ़ रहे वधाव को लेकर मेरे वालों जिला प्रशासन नाल लगातार राबता कायम किया जा रहा है जिस कारण स्थानक वासियों नूं किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं आउण दित्ती जाएगी। पत्रकारों नाल गलबात करदिआं अरुणा चौधरी ने कहा कि हाड़ दी मार कारण पंजाब दे लोकां दा भारी नुकसान होया है जिस करके सरकार नूं गिरदावरी दे चक्कर च ना पै के पानी दी मार हेठ आए परिवारां नूं जल्दी मुआवजा देना चाहिदा है तां जो उनां दी माली हालत ठीक हो सके। इस मौके ते उन्हां वल्लों मकोड़ा पतन दे नाल नाल चपकरा, काहना, वजीरपुर, ठठी फरीदपुर अते आदियां आदि पिंडां दा वी दौरा कीता अते पानी नाल प्रभावित होए लोकां नूं हर तरह दी मदद देण दा भरोसा दिता। इस मौके ते सीनियर कांग्रेसी नेता अशोक चौधरी, चेयरमैन हरविंदर सिंह पट्टी अते स्थानिक लोकां तो इलावा समुची कांग्रेसी लीडरशिप भी उनां दे नाल सी। मतलब हमने पानी तो लंघ रहा पुली के लंघ रहा पर साइड के मिट्टी काफ़ी रही है हम मिट्टी मंगाई है जी इरोजन हो गई है इसको रोकने वास्ते आप मिट्टी भरा फ्लो ना ही फ्लो ऐदा ही रहेगा जितने मेरे में थोड़ा अनसेफ है। ਪਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਰ ਗਏ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਉਜ ਦਾ
मेल ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਨਫਲੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਦਾਵਰੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਫਸਲ ਪਰ ਏਕੜ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ तबाह हुए ने या उन्हें जिन्हें जो मर गए ने उन्होंने 50,000 रुपया पर पशु दिता जाए और जिन्होंने घर जड़े ने वो गिर गए ने बेचारे बेघर लोग हो गए हैं और बरसात के तरपाल पा के रह रहे हैं उन्होंने 5,00,000 रुपया के घटो घट उन्होंने दौरान दिखी जाए ताकि वो जरा भारी नुकसान जरा लोगों का होया है वो भी भरपाई हो सके काफी घट गया लगता भी हर की चिंता लोगों को थोड़ी घट गई है पानी बाकी जगह से थोड़ा सिचुएशन ठीक है लेकिन अज जो कोड़ा पत्तन मैं देखने आई हूँ इतने पानी बिल्कुल लैवल जरा है काफ़ी बढ़िया है और बारिश फिर दोबारा शुरू है तो सो मैं ये देखने आई थी कि पानी का लैवल जरा है बढ़ गया है कि घट गया मैं लगता कि पानी का लैवल अजय बराबर है इस तरह बरसात होती रही तो पानी का लैवल होर अगे आके इन्ह पिंड मार जरूर करेगा जिमें चक राम सहाय है काना है कोड़ा पिंड है अपना अगे चपकरा आ जाता है सो इन पिंड काफ़ी मार पै सकती है पर मैं परमात्मा अगर ही दुआ करती हूँ कि जी बरसात है ये ना ही हो ताकि लोग जोड़े ने कैसा भी जी नैचुरल जी डिजास्टर है वह ना आए मैं लोगों को मिले हो कि लगता लोग सरकार के प्रबंधा तो प्रशासन के प्रबंधा तो सैटिस्फाई नहीं जाना बिल्कुल साढ़े इतने तो कोई आया भी नहीं है तो देखने वास्ते कोई गिरदावरी नहीं सरकार ने शुरू की कुछ भी नहीं सरकार वालों कोई ऑर्डर ही नहीं आए तो मैं समझती हूँ कि लोग अपने मुश्किलों आप ही जूझ रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कई कई घर पानी जोड़े डुबे ने वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह पानी का लैवल खुले होंगे सो मैं समझती हूँ कि लोगों वास्ते बाकी बहुत बड़ा एक नैचुरल जरा है डिजास्टर होया है और ये जी नैचुरल आपदा जी है यदा जरा है कि डट के का मुकाबला कर रहे हैं लोग बेचारे बैठे ने परेशान अपने घर मैं लगता आने वाले समय के फसल भी नहीं रहनिया और पशुओं को भी चारे की भी बहुत दिक्कत आएगी सो सरकार ही मदद कर सकते किसानों की क्योंकि किसान से सिर्फ इन्होंने ही सरकारी मुआवजे से ही डिपेंड करता सो इस करके मैं सरकार अगर मांग रखती हूँ2002-2007 रुपए के नाल ये स्पर जो बनाए थे जो हजे तक काम दे रहे हैं लेकिन हूँ पानी का तेज बहाव करके भी अपनी पोजिशन तो हिल गए हैं सो मैं ये भी लैटर जी मैं पहले दसा कि डीसी साहब ने लिखी है और इतने एक किश्ती सी वो भी बहुत बुरी हालत सी जी कि मैं अपनी डिस्क्रिशनरी ग्रांट तो दिखती सी हूँ मैं उन्होंने कहा कि किश्ती जी है एक होर बना के दो क्योंकि लोगों को एक ही साधन है पार जाने का किश्ती के थ्रू सो उन्होंने एक किश्ती आई है मैं देखी है हमने अपनी कही है लेकिन इस वे हालात बहुत माड़े ने पार वाले जो पिंड के बिल्कुल ही घट आ सो यदा जो पक्का हाल तो यही है कि इतने पक्का पुल बनया जाए वो भी जोड़ा है वो पैसे मंजूर हो चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं रिक्वेस्ट करा कि सारी अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा इंट्रस्ट लैके जल्दी तो जल्दी पक्के पुल का जरा इंतजाम जिस तरह तुम गिरदावरिया की गल कर रहे हो तो बहुत लंबा प्रोसीजर है जी उसके सामने जी लोगों को पहले जी सहायता चाहिए वो बारे तुम कहना चाहते हैं मैं ये कहना चाहती हूँ कि गिरदावरी में बहुत टाइम लग जाना पूरे पंजाब की गिरदावरी जी टाइम लगेगा लोगों को इमीजिएटली उन्होंने जरा पैसे जड़े ने उन्होंने जमीन के हिसाब न दिते जा ताकि वो इस मुश्किल के समय के अपना थोड़े जोड़े अपने हालात में उन्होंने अपने ठीक कर सकते और गिरदावरी तो होंगी रहेगी उन्होंने तो टाइम लगेगा लेकिन इमीजिएटली पैसे जोड़े रिलीज़ करके लोगों का जो मसला वो हल किया जाएगा।